हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 1 जून 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया, इसके लिए विषय क्या रहा है। तो विषय रहा है युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारियों की बैठक 29 मई 2020 को आयोजित की गई थी, जिसकी मेज़बानी किस देश ने की। तो इसकी मेज़बानी की रूस ने। रूस से क्वेश्चन याद रखिएगा, रूस की कैपिटल क्या होती है, मॉस्को। ओके, यहाँ की करेंसी क्या होती है, रूबल। यहाँ की जो संसद होता है उसे कहते हैं ड्यूमा। तो ये तीन क्वेश्चन याद रखिएगा। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ब्रिक्स की बात हुई है, इसमें ब्रिक्स की और बात हुई, तो ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है ऐसे लिखा जाता है BRICS। तो ब्रिक्स जो है इसमें भारत है, रशिया है और ब्राज़ील है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। तो ब्रिक्स का नाम कैसे पड़ा, तो ब्रिक्स में जो इंग्लिश वर्ड होते हैं, तो वी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2009 में हुई थी, और बात इसकी जो चल रही थी, इसकी विवेचना जो चल रही थी 2006 से चल रही थी, उसके बाद 2009 में इसकी स्थापना हो गई, 2010 में इसको साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया ब्रिक्स के अंदर, तभी इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स पड़ गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2020 के महीने में सुरक्षा परिषद चुनाव के लिए ई वोट प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें कौन सा देश एशियाई प्रशांत से एकमात्र उम्मीदवार है, जो जनवरी 2021 में शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाएगा और जो इंडिया की जगह लेगा, तो वो रहेगा हमारा देश भारत। अब इसमें इंडोनेशिया की बात हुई है और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हुई है। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करते हैं, तो इसकी भाषा कौन कौन सी है, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी। ओके, तो इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, फ्रेश अचार। ओके, तो इसमें एफ आर से फ्रांसीसी हो जाएगी, इसे इंग्लिश हो जाएगी, एस से स्पेनी हो जाएगी, ए से अरबी हो जाएगी, सी एस से चीनी हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखनी है। तो अब इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है मारिया फर्नेंडा एस्पिनोज़ा। अध्यक्ष एक और है, वो है तिजनानी मोहम्मद वेंदे। मुख्यालय अगर पूछे हैं कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सदस्य देश अगर पूछे हैं तो कितने, 193 हैं। संस्थापक संयुक्त राष्ट्र है इसका, और स्थापना इसकी हुई थी 1945 में न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। अब इंडो, इसकी जो सहायक कंपनियां वो कौन कौन सी, तो यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसकी सहायक कंपनियां हो जाती हैं। अब इंडोनेशिया की बात करें, तो इसकी राजधानी जो है प्रस्तावित है कलिमंथन, और जो अभी है वो है जकार्ता। ओके, सबसे बड़ा नगर भी इंडोनेशिया का जकार्ता ही है। राष्ट्रपति यहाँ पर जोको विडोडो हैं और उपराष्ट्रपति यूसुफ काला जी हैं। रुपया यहाँ पर मुद्रा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO के साथ अपनी जो संबंध है उन्हें समाप्त करने की घोषणा कर दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो राजधानी क्या होती है, Washington DC। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, शहर तो न्यूयॉर्क की सरकार यहाँ की संघीय संसदीय लोकतांत्रिक है। जैसे भारत सरकार लोकतांत्रिक है, उसी तरह अमेरिका की जो सरकार है वो संघीय संसदीय लोकतांत्रिक सरकार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उपराष्ट्रपति माइक पेंस जी हैं, और मुद्रा यहाँ पर डॉलर USD में चलती है। अब इसमें मुख्यालय लिखा, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं WHO की, यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखना भूलिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। मूल संगठन इसका क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसका मूल संगठन है, और इसकी जो ग्राहक सेवा है नंबर है वो है 011665648000। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर मैंने लिख दिया
हेड अगर पूछा है तो टेड्रोस अदानोम, सौम्य स्वामीनाथन और जेन एलिसन हैं, ओके इसके हेड हो जाते हैं। संस्थापक इसके देखे जाएँ तो कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स है, भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको या ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है यानी मैक्सिको ऑस्ट्रेलिया इसके संस्थापक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय एशिया क्षेत्र के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 पुरस्कार के विजेता कौन है, तो विजेता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी पटना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिलिंग के काउंसिल के संक्रामक रोगों के परीक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला की स्थापना करने हेतु मेघालय मुंबई पहल के लिए किस विश्वविद्यालय की भागीदारी की है, तो मुंबई विश्वविद्यालय की भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नदी पर शुरू किया गया नए अंतर्देशीय जलमार्ग त्रिपुरा को किस देश के दाऊदकंडी शहर के साथ जोड़ेगा, तो बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने संक्रमण के भावी संचरण की निगरानी में मदद करने के लिए कोविड 19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडर्न उपक्रम शुरू किया है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई सेवा ने सेवा कंपनी ने 29 मई को ड्रोन परीक्षण करने हेतु अनुमति प्राप्त की है, इसे चिकित्सा आपूर्ति और ई कॉमर्स उत्पादों को विकसित करने की अनुमति देगा, तो वो है स्पाइसजेट एक हवाई कंपनी है। इसके CEO 2015 में अजय सिंह थे, पर अभी संजय अग्रवाल जी हैं। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में हरियाणा में है और संस्थापक इसके अजय सिंह और भूपेंद्र के कंसागरा जी हैं और मुख्यालय इसका अगर सेंटर पूछा जाए क्या है तो दिल्ली है। संजय अग्रवाल अभी वर्तमान में CEO। स्पाइसजेट है क्या, स्पाइसजेट एक कम कीमत वाली विमानन सेवा है जिसका मालिकाना हक जो है सन ग्रुप ऑफ इंडिया के पास है। इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई तथा तमिलनाडु में है एवं व्यावसायिक कार्यालय गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने, तो वो बने हैं अरुण सिंघल जी, ओके। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है FSSAI की, और ये याद भी रखना है आपको। एंड इसके संस्थापक कौन है, तो ये भी याद रखा, तो इसके संस्थापक हैं अंबुमणि रामदास। स्थापना हुई थी 11 अगस्त 2011 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। मूल एजेंसी अगर पूछी जाए तो कौन सी, तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इसकी मूल एजेंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेंसी द म्यूजियम ऑफ ब्रोकन टी कप्स पोस्ट कार्ड फ्रॉम इंडिया माजिन्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं गुंजन बेद। तो इस पुस्तक का नाम काफ़ी बड़ा है तो उसे अच्छे से याद रखिए, द म्यूजियम ऑफ ब्रोकन टी कप्स पोस्ट कार्ड फ्रॉम इंडिया माजिन्स। तो आप इसमें से कुछ कीवर्ड उठा लीजिएगा, ब्रोकन, पोस्ट कार्ड, माजिन्स, तो ये किसकी पुस्तक है, तो गुंजन बेद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भारतीय और क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिन्हें फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 में अधिक कमाई वाले खिलाड़ियों में जगह मिली है, तो वो है विराट कोहली जी, इनकी रैंक है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में पहला स्थान पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी का है, तो वो है रोजर फेडरर का। ये है कौन, ये स्विस टेनिस खिलाड़ी है। दूसरे स्थान पर रोनाल्डो है, तो ये तीसरे नंबर पर है लियोनल मेसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के 2020 शीर्ष में 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में पहला स्थान किस महिला खिलाड़ी का है, तो वो है नाओमी ओसाका का, ये जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने पुष्टि की है कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 18 से 24 जनवरी 2021 तक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आयोजित की जाएगी। अब इसमें WWF की बात हुई है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को, मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में, अध्यक्ष पॉल एरिक हॉयर जी हैं। सदस्य अगर पूछे हैं कितने, तो 194 मेंबर एसोसिएशन है, ओके। व्यवसाय का प्रकार तो आपको पता ही है, खेल नियंत्रण निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या होती है, भोपाल। सबसे बड़ा नगर जो इंदौर है, जिले यहाँ पर 52 हैं, राजभाषा हिंदी और सिंधी है।
गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है, विधानसभा की 231 सीटें हैं और भारतीय संसद राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं। उच्च न्यायालय की मध्य प्रदेश की जो उच्च न्यायालय इसका मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय जबलपुर में है एवं खंडपीठ इसके इंदौर व ग्वालियर में है। मुख्य न्यायाधीश अगर वर्तमान में पूछे जाए तो मध्य प्रदेश के अजय कुमार मित्तल जी हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएँ 5 राज्यों से मिलती हैं। इसकी सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान से इसकी सीमा जो मिलती हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, घड़ियाल स्टेट भी कहते हैं एंड मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दालों का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। दालों से हमें प्राप्त क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। ओके, और मध्य प्रदेश की जो एक रीवा नामक जगह है उसे सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो वन जो अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य वो 11 हैं। वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क्स जो हैं 11 हैं और सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं वो कानाकिसरी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और जो पेंच नेशनल पार्क है उसका 95% तो मध्य प्रदेश के अंदर है, मतलब जो 5% पार्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। और इसमें जो नेशनल पार्क है वो है पन्ना पेंच फॉसिल वन विहार, सतपुड़ा वन विहार, ये सभी नेशनल पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अचन कुमार बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ओके, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में बहती है जिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने घाव को जल्दी भरने के लिए पीएच रिस्पॉन्सिव स्मार्ट बैंडेज विकसित की है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी असम ने ये एक पीएच रिस्पॉन्सिव स्मार्ट बैंडेज जो है विकसित की है। जो घाव होता है आपको चोट लग जाती है तो उसमें बहुत जल्दी आपकी सहायता करेगा। आप सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो असम के बारे में कुछ देख लेते हैं, असम को घूम के आते हैं, असम की क्या बात है। तो असम की कैपिटल तो आप सभी को पता ही होगी, यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्या है, वो है दिसपुर। असम की मुख्य भाषा क्या है, तो वो असमिया है। उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। सीमा इसके उत्तर में भूटान से तथा अरुणाचल प्रदेश से और पूर्व में नागालैंड और मणिपुर और दक्षिण में मेघालय तथा मिजोरम तथा पश्चिम बांग्लादेश, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में इसकी जो सीमा है टच होती है। अन्य नाम इसकी बात है अगर पूछ लिया है तो असम का कामरूप नाम हुआ करता था पहले। तो मुख्य खाद्य फसल यहाँ पर चावल है। जिले यहाँ पर 33 हैं। विधानमंडल यहाँ की हमने बताई दी, एक सदनीय है, नहीं बताई अभी बता दी, विधानमंडल एक सदनीय है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य की पशु अगर पूछे जाए तो एक सिंह वाला गैंडा जो है राजकीय पशु यहाँ का, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम के अंदर है जिसमें वन हॉर्न रिनोर्स पाए जाते हैं तो वो भी आपको याद रखना, मतलब एक सिंह वाला गैंडा जो पाए जाते हैं, रिनोर्स पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। राजकीय पक्षी यहाँ पर सफ़ेद बतख है और राज्यपाल यहाँ पर जो पहले राज्यपाल हुआ करते थे तो वो दौलत राम जी थे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्रमुख उद्योग यहाँ का चाय का है। प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई है। प्रमुख त्यौहार यहाँ पर बिहू होता है, तो आपको याद रखना असम की बहू। और पर्यटन क्षेत्र में मानस प्रोजेक्ट, टाइगर, गांधी मंडप, वशिष्ठ आश्रम, कामाख्या टेम्पल, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्यजीव अभयारण्य, उमानंदा, मोरों की धरती, ये सभी जो हैं आपको यहाँ पर पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। असम का जो डिगबोई क्षेत्र है भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। असम का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर भी हुआ करता था, कामरूप भी हुआ करता था। ओके, चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोरहाट में स्थित है। असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप असम में ही आपको देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद भी गुवाहाटी में ही देखने को मिलेगा। असम में अधिक जनसंख्या वाला जिला कामरूप है और कम जनसंख्या वाला जिला कक्षार है। असम देश का पहला राज्य है जहाँ खनिज प्राप्त होता है। ओके, अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनएचपीसी मर्यादित पूर्व की राष्ट्रीय जल विद्युत बिजली निगम की स्थापना कब हुई? तो 7 नवंबर 1975 को मुख्यालय फरीदाबाद में। गोवा राज्य दिन कब होता है? तो 30 मई 1987 को मुख्यालय पणजी में, जिसे पणजी भी कहते हैं। जल जीवन अभियान का आरंभ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को हुआ था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1997 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। ओके, एंड घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लॉकडाउन 5 का पालन करते रहिएगा, जो भी गाइडलाइन जारी की गई उनका। हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप सभी को पता ही है गाइडलाइंस क्या है, तो उस पर वीडियो बनाना कुछ बनता नहीं था, इसलिए हमने बनाया नहीं फिर वीडियो। ओके, तो आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। एंड आज वीडियो लेट हो गया था, कुछ कारण रहा तो इस वजह से, आज बर्थडे था हमारा तो कुछ डिले हो गया काम, तो उस वजह से वीडियो लेट होगा, उसके लिए सॉरी। पर आप लोग कंटेंट पर फोकस कीजिएगा और आप जल्दी से नोट जरूर कर लीजिएगा। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, और टिकटॉक हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन शेयर ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा और ऑडियो रिवीजन जरूर से करते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए जिससे क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाए करें और आप अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर सकें। ओके, तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।